और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि भाई आप फॉर्म से बाहर कुछ नहीं कर सकते। जो इंडिया टीम है ना वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, इंडिया से आगे भी हम यही एक्सेप्ट करते हैं, मेरी फेवरेट टीम है इंडिया। टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट टीम्स का टेस्ट मैच खत्म करवाती थी ऑस्ट्रेलिया पर्थ वगैरह में या ब्रिस्बेन में, मगर अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और पता यही चलता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर्ड नहीं है खासतौर पर भारत में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के हिसाब से। भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई, एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की, मगर जो क्लिंचर था वो अक्षर पटेल की बैटिंग थी दोनों इनिंग्स में, उस मौके के ऊपर उन्होंने 60-70 रन किए और अश्विन के साथ पार्टनरशिप लगाई जबकि एक साइजेबल लीड ऑस्ट्रेलिया को शायद मिल जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं इसलिए कि मेंटली भी कमजोर पड़े ऑस्ट्रेलियंस होकर पड़ते नहीं है और टेक्निकली तो फ्लॉज नहीं है क्योंकि इनकी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बिल्कुल फर्क है, गलत शॉट्स खेलते रहे, स्वीप शॉट्स खेलते रहे, उट पठान की बैटिंग और फिर एक तरह से मार्जिन बहुत तगड़ा है ये तो चलो फ्लोर आ गया वरना एक इनिंग्स की जीत होती है रिकॉर्ड बता रहे उसके पर्सपेक्टिव से कि 22 दफा बल्कि 23 दफा एक इनिंग्स या 200 से ज्यादा रन से जीता इंडिया, उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा चलो उनकी बचत हो गई। आपने जो जब हम लंच पे चल रहे थे आपने बिल्कुल ठीक लंच कहा था कि जो छोटे रन होती है चेज होती है इट्स अ बिट ट्रिकी वन, मैं आपको लिख के देता हूं रोहित शर्मा ने आप बाहर निकल के तेज तेज खेलता या डबल रन ना लेता, विराट कोहली बाहर निकल के ना मारता, अय्यर तक बारी ना जाती, लेकिन देखिए जब ट्रिकी चेज मतलब इंडिया ऑल क्रेडिट दे रियली डिजर्व दिस विक्ट्री बाय 6 विकेट्स, लेकिन आई मीन जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग डिस्प्ले था सेकंड इनिंग्स में यार अगर आप सिर्फ डिसमिसेस देखें मतलब यार ये वर्ल्ड की नंबर वन टेस्ट टीम है भाई, ठीक है ये वर्ल्ड की नंबर वन टेस्ट टीम है इस वक्त और क्या इन्होंने बैटिंग की वर्ल्ड नंबर वन टीम की तरह बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया तो घबरा गए डर गए यार उनको पता ही नहीं है कि मतलब ऐसी पिचेस पर कैसे खेला जाता है कैसे क्रिकेट खेला आपको दूसरा टेस्ट वो भी तीसरे दिन फिनिश आउट क्लास जबरदस्त, जैसे कि इंडिया ने पहले भी साबित किया अपने होम ग्राउंड पे किसी को नहीं इतनी आसानी से जीतने देते, उन्होंने अपना वो रिदम बरकरार रखा है और बहुत जबरदस्त जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जबरदस्त मजा आया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है नंबर वन टीम इतना बुरी तरह पिटेगी और वो भी पिटेगी इंडिया से, आपने मतलब कि इंडिया इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये देख रहे थे कि नंबर वन नंबर टू टीमें हैं तो बड़ा टफ एक दूसरे को सिचुएशन देंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई टफ नहीं है, इंडिया ने पेट पेट के उनके ना मतलब लाल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है और इंडिया से इसी चीज का हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि अपने होम ग्राउंड पे इंडिया ऐसे रिएक्शन देगी, होम ग्राउंड पे ऐसे पिटेगी, ऐसे ही पिटेगी, पहले भी इंडिया ने कई बार ऐसे किया है, काफी सारी इंटरनेशनल टीमों को इंडिया अपने होम ग्राउंड पे ऐसे कर चुकी है, होम ग्राउंड के वो शेर है वो नहीं जीतने देते, ऐसे है वो तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने हराया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसमें कोई शक नहीं है। और जडेजा की परफॉर्मेंस कैसी लगी पहले मैच में भी जो है वो मैन ऑफ द प्लेयर, दूसरे मैच में मैन ऑफ द प्लेयर और आज 7 विकेटें ले जाना और टोटल मैच में 10 विकेटें, बहुत जबरदस्त जडेजा ने प्रूव किया वो एक लेवल का बॉलर है, क्लास है। 6 महीने बाद इंजर्ड होके वापस आए और आते ही दो मचा दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसमें कोई शक नहीं हो, बहुत जबरदस्त बॉलर है, मजा आया उसकी बॉलिंग देख के, मजा आया इंडिया की जीत, जबरदस्त बहुत मजा आया। फिर आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पे? इंडिया की जीत पे यार क्या कहूँ अब मैं इस पे, इंडिया हमेशा इंडिया हमेशा जो है होम ग्राउंड पे ऐसे ही करती है और इसमें मैं क्या कमेंट करूं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं और इस बार मजा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। हाँ आपको चाहिए था कि मैच जरा टफ होता जरा माहौल बनते लेकिन वन साइड इंडिया जीत रहा है। हाँ ऐसा तो है। अच्छा। ऐसा ही है वैसे, मैच अगर टफ हो अगर दोनों टीम्स के दरमियान अच्छा कंपटीशन देखने को मिले तो फिर मजा आ जाएगा। कल रात को कई लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या हेडलाइनें बनाई थी, क्या क्या सोचा था वो क्या से एक सेशन में फायरिंग होगी मतलब लंच से पहले फायरिंग होगी, इट्स सच अ बिग मतलब लेट डाउन फॉर द बिग क्राउड दैट हैज शोन अप एट द अरुण जेटली स्टेडियम फॉर दिस टेस्ट मैच, कितना बड़ा लेट डाउन उनके लिए यार कि वो बेचारे पैसे खर्च करके आ रहे हैं और कि दो क्वालिटी टीम खेल रही है तो एक तो क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है एक ऐसे खेल रही है जैसे पता नहीं वो क्रिकेट खेला नहीं बल्ला भी पकड़ना आता, मतलब यार 113 रन पे कोई आउट होता है टीम। और मजे की बात यह वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं पिच में यार, मतलब कोई ऐसा मतलब जो जिनके जहन में बैठा हुआ है ना ये ऑस्ट्रेलियंस के कि पता नहीं क्या होगा इस पिच में बम फटेंगे क्या होगा, मतलब भाई कुछ भी नहीं, नागपुर में भी कोई ऐसी खास चीज नहीं थी, आज यहाँ पर थर्ड डे टेस्ट मैच का था और मतलब देयर वाज नो बाइट, ठीक है देयर वाज नो विशियस टर्न देयर वाज नो विशियस बाउंस कुछ भी नहीं,
टर्न था लेकिन स्लो टर्न था। अब सबसे बड़ी बात थी कि क्योंकि लो रह रही थी विकेट और लो खेल रही थी और स्लो खेल रही थी तो जो स्पिन टर्न भी कर रहे थे अगर आप सेट हो जाए तो आउट करना इतना आसान नहीं बैट्समैन को। मतलब इट वॉज नॉट ए विकेट वेल टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया भी बोल्ड आउट फॉर 113 रन यार मतलब अनएक्सेप्टेबल टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड दे रियली नीड बैक कमिंस एंड टीम रियली नीड टू सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट कि यार क्या हम आर वी डूइंग जस्टिस टू आवर रैंकिंग। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि यार इंग्लैंड जैसी टीम जिन्होंने न्यूजीलैंड को 267 रन से सूद दिया और मतलब द बिगेस्ट पार्ट इज दैट दे हैव नॉट वन 10 आउट ऑफ द लास्ट 11 टेस्ट मैचेस। तो मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि काश ये बेन स्टोक्स और मैडम मैकलम पहले टेक ओवर कर लेते इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर तो शायद ये जो मतलब 7 टेस्ट मैचेस हारा इंग्लैंड ऑन अ ट्रॉट अंडर द कैप्टनसी ऑफ जो रूट एंड द कोचिंग ऑफ क्रिस सिल्वरवुड तो शायद वो नहीं होता तो इंग्लैंड वुड हैव बीन द टीम क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड ऑन करंट फॉर्म ऑन द वे दैट इंग्लैंड इज प्लेइंग द वे ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग आई थिंक इंग्लैंड डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन जून एट द ओवल। ये ऑस्ट्रेलिया टीम यार ये मतलब अगर आप एक ऐसी टीम है जो कि सिर्फ अपनी होम कंडीशन में जीत सकता है और अपनी होम कंडीशन में डोमिनेट कर सकते हैं तो भाई फिर तो यार ये तो कोई क्रिकेट ना हुई ना। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को धोया है टीम इंडिया ने टेस्ट मैच में 2.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया। भारतीय टीम से सभी को सीखना चाहिए टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने लगता है डर गई है पाकिस्तान मीडिया का कहना है। तो दोस्तों क्या भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेगी कि नहीं अपनी कीमती राय देना मत भूलें।